नमस्कार, न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल में नशा अब नासूर बनने लगा है। हालत यह है कि राज्य के हर जिले में नशा माफिया सक्रिय है। कई घरों के चिराग इस कारण बुझ चुके हैं, कई युवाओं को इसकी लत लग चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 27% यानी कि लगभग 2,00,000 युवा नशे का सेवन कर रहे हैं, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस का भी मानना है कि नशे के मामले में हिमाचल अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के बाद देश भर में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। कुल्लू, ऊना, शिमला, कांगड़ा, मंडी जिला के राज्य में नशे के सर्वाधिक ये प्रभावित जिले हैं, जो इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं। हालांकि राज्य की सुक्खू सरकार इसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और इन्हीं कदमों के तहत हिमाचल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ऊना जिले में वहां के DC IAS राघव शर्मा ने भी नशा मुक्त ऊना अभियान शुरू किया है, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। इन डिस्ट्रिक्ट ऊना बीइंग अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, वी आर फेसिंग चैलेंज ऑफ मेनी यूथ फॉलिंग इन ड्रग एडिक्शन एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन बीइंग टेकन बाय द पुलिस इन नैबिंग क्रिमिनल्स हु आर स्मगलिंग दीज ड्रग्स अक्रॉस द बॉर्डर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक युवा अधिकारी राघव शर्मा की पहल पर हिमाचल के बॉर्डर जिले ऊना में एक साल के लिए ग्राउंड लेवल पर शुरू किया गया नशा मुक्त ऊना अभियान इन दिनों खूब चर्चा में है। नशा मुक्त ऊना अभियान के कई पहलू इसे अन्य अभियानों से अलग बनाते हैं। इस अभियान के लिए देश का अपनी तरह का पहला एक जो प्रोजेक्ट ऑफिस है वो ऊना जिला में खोला गया है। अलग अलग एक्सपर्ट इस ऑफिस में तैनात किए गए हैं। हर विभाग की एक ड्यूटी लगाई गई है। एम्स के डॉक्टर जो है वो स्थानीय डॉक्टरों को नशे से बचाव को लेकर जो है वो प्रशिक्षण दे रहे हैं इस अभियान में। Under this project, we have set up a project office. Una district is the first district in entire India to set up a project office for running a campaign for drug de-addiction. And five very qualified and young youth have been appointed as different coordinators for different IT activities, for community engagement, for social media, for working with health department and looking after different blocks. 70 दिन की एक ट्रेनिंग का कोर्स भी डिजाइन किया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज व पंचायती राज से जुड़े हुए 5,000 लोगों को नशा मुक्ति की फील्ड की विशेष रूप से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो प्रशिक्षित लोग हैं वो नशों के दुष्प्रभाव और इससे होने वाली जो व्याधियाँ हैं उनके अलावा नशों के जो दुष्परिणाम है और अन्य तरह की जिस तरह की भी दिक्कतें नशे के कारण होती हैं उसके बारे में उनको शिक्षित किया जाएगा और उनको मानसिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा कि वो बाकी लोगों को जाके जो है इसकी ट्रेनिंग दें। ऊना ज़िले के लगभग 287 शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे 54,000 बच्चे जो हैं वो इस अभियान का जो लक्ष्य टारगेट सेट किया गया है कि 54,000 बच्चों तक उनको पहुंचना है। रेड क्रॉस की ओर से ये अभियान और गुंजन संस्था जो है वो इसको टेक्निकल सपोर्ट के साथ इस अभियान को चला रही है। हाउएवर इट वाज फेल्ट दैट वी शुड आल्सो हैव अ कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम टू फोकस ऑन द डिमांड साइड ऑफ ड्रग एडिक्शन whereby we work with all stakeholders like schools, parents, teachers, industries, parents who are working and not being able to give time to their officers, panchayat functionaries, ASHA workers and Anganwadi workers. Therefore, a campaign by the name of Nasha Mukt Una Abhiyan has been conceptualized in the district. It is an year-long program which we are running under the aegis of the District Red Cross Society, and we have partnered with an NGO called Gunjan for this purpose. This campaign basically takes a different approach to taking the message of drug de-addiction to the society, and there are different components of the program, one of which is a school intervention program under which we are reaching all the schools of the district and training teachers as mentor teachers and training students as peer leaders to change the attitudes of students towards drugs. Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.